हेलो आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटेटिव तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के लेक्चर को तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा लास्ट लेक्चर के रिलेटेड जहाँ पे हमने टेंथ पढ़े थे और पहले हम हर एक लेक्चर में क्या देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू वकेबलेरी और क्योंकि ये जो वकीबलेरी है ना ये आपको हेल्प करेगी कहाँ पे सनोनीयम एंटोनियम में काफ़ी इंपॉर्टेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी तो पहला वर्ड जो है यहाँ पे वो है पैरागॉन पैरागन काफ़ी बार आ चुका है स्टाफ सिलेक्शन के, के पेपर में पैरागन का मीनिंग होता है परफेक्ट या हम बोले बेस्ट एमंग ऑल ये जो पिक है ना यहाँ पे ये है सचिन तेंदुलकर की और ये है ना भाई ये है बेस्ट एमंग ऑल बैट्समैन यहाँ हम बोले परफेक्ट क्योंकि इनके शतक बहुत ज़्यादा हैं हंड्रेड्स काफ़ी लगाई हैं फिफ्टीज काफ़ी लगाई हैं और रनस भी काफ़ी स्कोर किए हैं तो ये है भाई पैरागन बैट्समैन यानी कि बेस्ट एमंग ऑल बैट्समैन नेक्स्ट है यहाँ पे क्लॉक्सल क्लॉक्सल का मीनिंग होता है इनॉर्मस लार्ज या ह्यूज ये जो पिक है ना यहाँ पे ये है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ट्वेंटी सेवनटीन की और वहाँ पे जो पाकिस्तान है ना इन्होंने पुट किया था बोर्ड पे थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट फॉर फोर और इंडिया की टीम वन फिफ्टी एट पर ऑल आउट हुई थी तो वर्ल्ड कप फाइ कोई भी आ, फाइनल में कोई भी फाइनल में थ्री हंड्रेड के एबो जो टोटल होता है ना वो होता है लार्ज या ह्यूज टू चेज राउंड तो हम बोलेंगे थ्री हंड्रेड थर्टी एट वॉक कोलासल फॉर इंडिया टू चेज डाउन तो क्लासल का मीनिंग हो गया इन नॉर्मल स्लॉज या ह्यूज नेक्स्ट है यहाँ पर इरोनियसली इरोनियसली का मीनिंग होता है इनएकोरेट या हम बोलें अन ट्रू ठीक ये जो पिक है ना ये है यहाँ पे उमर अकमल की और लास्ट ईयर जब एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे पाकिस्तान में तो उनकी शकल मिलती थी विथ उमर अकमल तो सोशल मीडिया पर उमर अकमल की पिक आ गई कि इनकी डेथ हुई है तो हम बोलेंगे यहाँ पे ही वॉज़ एरोनियसली रिपोर्टेड डेड यानी कि इएकोरेटली ठीक तो आई होप ये तीन वर्ड आपको समझ में आए होंगे कि कहाँ पे यूज़ करने हैं पैरागन पैरागनकॉक्सल एंड इनियस एरोनियसली ठीक तो क्योंकि यहाँ पे एरर देखिए इरर आता आ, आ रहा है ना ए आर आर ओ आर क्या होता है एरर तो याद रखिएगा ये इनएकोरेट या अनट्रू ठीक नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे हम आ, लेवल टू के क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंसेस लेवल टू एंड लेवल थ्री यहाँ पे तो लेवल टू का पहला क्वेश्चन जो है वो है आई एम सेक्रेटरी ऑफ दी सपोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन फाइव इयर्स एगो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको बोलना है जो हाईलाइटेड वर्ड है ना यहाँ पे आई एम तो आपको बोलना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा और अगर आपको दिख रहा है कि नो no इम्प्रूवमेंट रहेगा तो यहाँ पे आपको डी पुट करना होगा तो पहला क्वेश्चन है आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द सपोर्ट क्लब सेंस इट फॉर्मेशन फाइव ईयर्स आगो ठीक तो हमें क्या यहाँ पे लगाना होगा आई एम की जगह आई एम हमें देखना है कि तो हम बोलेंगे यहाँ पे आई हैव बीन आई हैव बीन द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब तो यहाँ पे आएगा करेक्ट हैव बीन ठीक क्योंकि ये क्या है भाई सेंस फॉर्मेशन सेंस इट फॉर्मेशन फाइव ईयर्स एगो तो हैव बीन यहाँ पे रहेगा करेक्ट हमारे लिए नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ आई वाई यू ठीक आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस तो हमें देखना है कि वायर की जगह हमें क्या पुट करना है इफ़ आई वायर यू आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है तो हम बोलेंगे नो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटिस्ट श्योरली हैव डिस्कवर्ड क्योर फॉर कोरोना वायरस तो बाई द एंड ऑफ दिस ईयर तो ये क्या है फ्यूचर में बाई द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटिस्ट्स श्योरली हैव डिस्कवर्ड अर फॉर कोरोना वायरस तो हम बोलेंगे यहाँ पे बाई द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटस्ट श्योरली हैव तो यहाँ पे क्या आएगा बाई विल हैव डिसकवर्ड तो यहाँ पे आएगा बाई द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटस्ट श्योरली विल हैव डिस्कवर्ड तो ये आएगा फ्यूचर में ठीक नेक्स्ट यहाँ पे ही ऑक्सकडमी वैदर आई विल हैव हिम तो यहाँ पे ही ऑक्सकडमी वेदर I would help him. तो यहाँ पे आएगा whether I would help him. ठीक नेक्स्ट है यहाँ पे पवन वाज हरीड टू तो रीच दी मीटिंग वेन ही सिल्पड एंड फेल डाउन तो हम बोलेंगे पवन वाज हरिंग पवन वाज हरिंग टू तो रीच दी मीटिंग वेन ही सिल्पिड एंड फेल डाउन तो ये क्या है भाई पास्ट कंटिन्यूस में ठीक नेक्स्ट यहाँ पे लेवल थ्री के क्वेश्चन ठीक जनरली जिन्हें हम सपोर्ट दी एरर बोलते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर पहला क्या है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हेड सेटलड हिम सेल्फ इन लंडन तो आपको देखना है यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुआ है और अगर मिस्टेक नहीं हुआ है यानी कि नो एरर है तो आपको डी पुट करना है यहाँ पर तो यहाँ पर हम बोलेंगे बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव तो यहाँ पे हैज़ हेड की जगह ही विल हैव ही विल हैव सेटलड तो यहाँ पे है सेड को रिमूव करना है और विल हैव को लगाना है सेटलड हिमसेल्फ इन लंडन नेक्स्ट वेन एवर यू आर कमिंग हीयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी ठीक तो यहाँ पे हम बोलेंगे वेन एवर यू यहाँ पे आएगा भाई वेन एवर यू कम हेयर तो यू आर की जगह यू आर कमिंग की जगह हम बोलेंगे यू कम हियर ठीक क्योंकि ये है भाई यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट ठीक प्रेजेंट इनडेफिनेट क्योंकि ये यह यहाँ पे क्या शो कर रहा है हैबिट को ठीक तो हम बोलेंगे विन एवर यू कम तो यहाँ पे आएगा विन एवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट फॉर मी नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड वन ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिज़र्व और नॉट तो यहाँ पे हम देखेंगे आ, ये ये क्या बोल रहा है Uh, uh, he always wants to get uh, best of the fed, uh, facilities whether he deserves or not तो हम बोलेंगे यहाँ पे he always wants to get the best best of facilities whether he deserves or not तो deserve यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे आएगा डी ई एस ई आर वी ई एस तो डिजर्वस इट और नॉट ठीक तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ठीक नेक्स्ट है यहाँ पे क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को ही शो कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ही कैम टू मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट ठीक तो हम बोलेंगे ही कैम टू मीटिंग मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड तो यहाँ पर आएगा आई एक्सपैक्ट की जगह आई हैड एक्सपेक्टेड तो इरर किधर आ रहा है तो इरर यहाँ पर ऑप्शन सी में आ रहा है तो ये वाले क्वेश्चन में कहाँ पर आ रहा था सी में आ रहा है तो ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है जैसे हर एक लेक्चर में मैंने आपको दिखाया कि स्पॉट द इर में कैसे ऑप्शन आपको पुट करने होते हैं नेक्स्ट हैड यू इंफॉर्मड मी अर्यर आई वुड हैव सर्टनली परचेज दी कार फ्रॉम यू तो देखिए हैड यू देखिए हैड किधर आ रहा है भाई पास्ट में आ रहा है इन फॉर्मर मी इनफॉर्मड मी अर्लियर आई वुड अगेन इन द पास्ट हैव सर्टनली परचेज परचेज ये आ रहा है प्रेजेंट में तो यहाँ पर आएगा परचेजड क्या आएगा भाई परचेजड ठीक तो परचेजड तो ऑप्शन बी में यहाँ पे इरर है तो हैड यू इन फॉर्मड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टनली परचेजड द कार फ्राम यू तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंस तो आई होप लास्ट लेक्चर में आपके टेंसेज जो हैं वो क्लियर हुए हैं और वहाँ पे मैंने लेवल वन के क्वेश्चन भी कराए थे तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर बाय